Shri Sanjay Raut. Shri Sanjay Raut. Your name is there. Your name is there. It will come. I will call Deputy, you when your time comes. Deputy Chairman, sir. You are not permitted. Only Mr. Sanjay Raut will speak. Will go on. Deputy Chairman, sir. 370 धारा को हटाने की बात जब गृह मंत्री जी आप कर रहे थे तो पूरे देश में नहीं, मुझे लगता है जहां जहां भारतीय पूरे विश्व में बैठे हैं, पूरे विश्व में एक आनंद का, एक उत्साह का माहौल। 370 को हटाने का मतलब है एक भस्मासुर को खत्म करना, एक शैतान को खत्म करना, क्या बात है, एक कलंक को नष्ट करना। जो 70 साल से ये देश संविधान लेकर जी रहा था, मैं गृह मंत्री जी को यह कहना चाहता, देश तो खुश है लेकिन आज वीर सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे भी स्वर्ग से आपको पर फूल बरसाएंगे। एक सपना रहा हमारे देश का, हमारे बुजुर्गों का हमेशा, कि देश अगर अखंड हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं तो 1947 में नहीं, आज जम्मू कश्मीर का विलय हो गया है। 70 साल से रुका हुआ फैसला आपने लिया है, जिसको देश को इंतजार था या सदन को इंतजार था। धमकियां मिल रही है कि दंगे हो गए, अगर 370 हटाएंगे तो दंगे हो गए, जो 370 को हाथ लगाएगा वो हाथ जल जाएंगे। जलाइए अगर हिम्मत है तो। हम यहां क्यों बैठे, गृहमंत्री क्यों बैठे, प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों बैठे हैं? ये जलाने की और धमकाने की भाषा आज से बंद हो जाने चाहिए। एक मजबूत सरकार जिसने दिखाया कि सरकार कैसी चलती है, सरकार कैसी चलाई जाती है, और देश को अखंड रखने के लिए जो कुर्बानी देनी पड़ती है, जो हिम्मत देनी पड़ती है, कोई सरकार में आज हिम्मत दिख रही है? जो विरोध करते हैं, जिसने विरोध किया है, वो वही लोग हैं जिसने 70 साल तक जम्मू कश्मीर की जनता का शोषण किया, पीड़ा किया, उनको हिंदुस्तान के मुख्य धारा में आने से रोका, हमेशा उनको सिखाया कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। नहीं, जब भी हम कश्मीरी पंडित हो, हमारे वहां के मुस्लिम भाई हो, सब चाहते थे कि यह धारा हटे, हम हिंदुस्तान के अंग बने, हम हिंदुस्तान के मुख्य धारा में शामिल हो, लेकिन ये होने नहीं दिया। इतिहास में आज का दिन 15 अगस्त हमारा स्वतंत्र दिन, 8 अगस्त हमारा क्रांति दिन, और आज 5 अगस्त क्रांति का महीने का आज और एक इतिहास में आपने अगस्त पहले को लिख दिया है। मैं मानता हूं बहुत कठिन निर्णय आपने लिया, साहस से लिया, विरोध होगा लेकिन आपने देखा होगा विरोध सो पड़ा है यहां। आप देखो विरोध कैसा सो पड़ा है, आराम से, उनको आराम करने दो, हम काम करेंगे। आज जम्मू कश्मीर लिया है, कल हम बलूचिस्तान ले गए, बीओके ले गए, और जो हमारा देश का अखंड हिंदुस्तान का जो सपना है, मुझे विश्वास है ये देश, ये देश की सरकार, ये देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जरूर अखंड हिंदुस्तान का सपना पूरा करेंगे। इसी शब्दों में मैं जो बिल जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में लाया है, मैं पूरी शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि की तरफ से, मैं आपका स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। माननीय सदस्यगण, एक एक मैसेज है, प्लीज प्लीज, एक मैसेज है, मैसेज फ्रॉम चेयरमैन, प्लीज हियर। सम लीडर्स मेट ऑनरेबल वीपी एंड रिक्वेस्टेड टू एक्सटेंड टाइम फॉर गिविंग amendments beyond 12:30 PM. Now the chairman has decided to extend time for amendments up to 2:30 PM. He wanted members to go to their seats and participate in the debate.
माननीय सदस्यगण, मैं पुनः बताना चाहूंगा, चेयरमैन साहब ने पहले भी सूचना दी थी और हाउस ने सहमति दी थी कि आज लंच नहीं होगा। जो माननीय सदस्य लंच के लिए जाना चाहे वो जा सकते हैं, फिर बहस ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहस कंटिन्यू रहेगी।